नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और कमाल की वीडियो के अंदर। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कंप्यूटर से पीडीएफ फाइल कैसे बनाते हैं। अगर दोस्तों आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं और बिना कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किए, बिना कोई वेबसाइट पे जाए आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से ही पीडीएफ फाइल बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी आप देखोगे डेस्कटॉप पर आपको दो फोल्डर दिखाई दे रहे हैं, पहला है ईबुक पीडीएफ और दूसरा है इमेज का। मैंने क्या काम किया, अपने मोबाइल फोन से कुछ फोटो क्लिक किया इस तरीके से। एक मेरे पास किताब है उसका मैंने जो है इस तरीके से उनके पेज जो होते हैं उनकी मैंने इस तरीके से फोटो क्लिक की और फोटो क्लिक करने के बाद बिना कोई एप्लीकेशन का इस्तेमाल किए, बिना कोई वेबसाइट का इस्तेमाल किए आप ये देख सकते हो मैंने इसका एक पीडीएफ भी बना दिया है। मैं इसको आपको कम करके इसका साइज दिखाता हूँ, देख सकते हो वही सारे इमेज का पीडीएफ यहाँ पर आपको बना बनाया मिल जाता है कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों अगर आपके पास भी बहुत सारे फोटो हैं और आप जो है उनका पीडीएफ बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल नया तरीका आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों करना क्या है आपको, सबसे पहले तो आपको उस नोटबुक की फोटो खींच लेनी है अपने मोबाइल फोन से ही, जिस तरीके से मैंने आपको ये वाली फोटो दिखाई है ये मैंने अपने मोबाइल फोन से ही फोटो खींचा है। इसके बाद मैं अपने पीसी में लेकर आया हूँ, आपको भी सेम वही काम करना है। लेकिन अगर आपके पास पहले से ही कोई फोटो आपके कंप्यूटर में है, ढेर सारी फोटो है, आप उनका पीडीएफ बनाना चाहते हो तो इसी तरीके से आप उनका भी पीडीएफ बना सकते हो। आपको क्या काम करना है, जिन भी फोटो का पीडीएफ बनाना है उसे अपने कंप्यूटर में करके आ जाना है। अब यहाँ पर हम कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करेंगे, ना ही कहीं वेबसाइट पर जाएंगे, हम जो है एमएस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए जो है हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। ये जो आपको एमएस वर्ड दिखाई दे रहा है आप इस पर क्लिक करके एमएस वर्ड इसे ओपन करेंगे या फिर आप ऑल एप्स में जाकर के नीचे की साइड में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर वर्ड के नाम से मिल जाएगा एमएस वर्ड। थोड़ा सा नीचे और चलते हैं, ये देखिए हमको जो है यहाँ पर मिल गया है वर्ड, तो हम जो है इस पर क्लिक करके एमएस वर्ड को चालू कर लेंगे। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है, ये जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है आपके सामने एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या काम करना है, जो भी आपने फोटो अपने कंप्यूटर के अंदर रखा है उसे यहाँ पर इंसर्ट करना है, यहाँ पर लेकर के आना है। इंसर्ट पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर दिस डिवाइस पर आप क्लिक करेंगे। जहाँ पर भी आपने फोटो रखी होगी आप वो लोकेशन देंगे, इसके बाद उन फोटो को यहाँ पर बारी बारी से लेकर के आएंगे। फोटो सेलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट पर क्लिक कर देना है, फोटो इसके अंदर आ जाएगी। पिक्चर को लाने के बाद यहाँ पर आपको एक और काम करना है कि जब ये पिक्चर सिलेक्ट रहेगी तो पिक्चर फॉर्मेट एक नया टैब खुल जाएगा। अगर गलती से आप बाहर क्लिक कर दोगे तो हो सकता हो आपका ये जो पिक्चर फॉर्मेट है वो गायब हो जाए, तो आपको पिक्चर पर ही क्लिक करना है, पिक्चर फॉर्मेट पर क्लिक करना है, इसके बाद रैप टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आप जो है इस पिक्चर को अपने मन मुताबिक जो है यहाँ पर सेट कर पाओगे। तो हम जो है यहाँ से लेकर के इस पिक्चर को इस तरीके से सेट करेंगे, इधर भी जो है इसका साइज बढ़ा देंगे पेज के अकॉर्डिंग जितना हमको चाहिए, नीचे की साइड में भी आएंगे जहां तक हमारा पेज है वहां तक जो आकर के इस तरीके से इस पिक्चर को यहां पर एडजस्ट कर देंगे। हमारी पिक्चर जो है हमारे पेज पर एडजस्ट हो चुकी है, लेकिन आप यहां पर देखोगे पिक्चर का जो कलर है वो सही तरीके से नहीं आया है। तो यहां पर आपको एक चीज का ध्यान देना है कि जब भी आप मोबाइल फोन से फोटो को खींचे तो अच्छी रोशनी में खींचे ताकि आपकी फोटो अच्छी तरीके से आए। अब फोटो खींचते वक्त अगर कोई बाहरी साइड भी आ जाता है, जैसे कि देखोगे नीचे की साइड में आ गया है, तो इसे आप क्रॉप भी कर सकते हो, फालतू एरिया को क्रॉप भी कर सकते हो। पिक्चर को सिलेक्ट करिए, यहाँ पर आपको जो है क्रॉप का बटन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से नोट बन जाएगा। इन नोट की मदद से जितना आप पिक्चर को क्रॉप करना चाहें इस तरीके से पकड़ करके इस पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं, जैसा कि हमने कर दिया है। ऊपर से भी करना चाहो तो कर सकते हो, वरना आपको क्रॉप पे क्लिक कर दोगे पिक्चर आपकी क्रॉप हो जाएगी। दोबारा से आपको जो है ये जो नोट बने मिल रहे हैं इन नोट की मदद से इस पिक्चर को एडजस्ट कर लेना है। पिक्चर को एडजस्ट कर लेने के बाद अब आपको इस पिक्चर को थोड़ा सा ब्राइट करना है। इस पिक्चर को सिलेक्ट करिए, पिक्चर फॉर्मेट के अंदर करेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको ये वाला करेक्शन चूज कर लेना है। इससे आपकी पिक्चर थोड़ी सी और ब्राइट हो जाएगी, या फिर आप अपनी पिक्चर के अकॉर्डिंग जैसा आपका पिक्चर है यहाँ से ब्राइटनेस और कंट्रास्ट उसका बढ़ा घटा सकते हो। तो हम ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे, पिक्चर हमारी और भी बेहतरीन तरीके से इस तरीके से दिखाई देगी। जो तरीका दोस्तों हमने इस पिक्चर को लाने में किया है, जिस तरीके से क्रॉप वगैरह किया है, जिस तरीके से इसको एडजस्ट किया है, इसी तरीके से आपके पास जितना भी फोटो है सभी में आपको ला के यहाँ पर एडजस्ट
एडजस्ट कर देना है। अब आपको क्या काम करना है, यहाँ पर एक नया पेज लेकर आना है, इंसर्ट पे क्लिक करिए और यहाँ पर जो है आप बाहर क्लिक कर दीजिए। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ब्लैंक पेज का ऑप्शन मिलेगा, आप ब्लैंक पेज पर क्लिक करिए, एक नया पेज आ जाएगा। नया पेज तो आएगा लेकिन वो ऊपर आएगा, नीचे की साइड में आपका जो फोटो है वो नीचे की साइड में अगर चला जाता है तो आप इसको उठा करके इस तरीके से ऊपर जो है इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो अभी भी आप चाहो तो, ठीक है। इस तरीके से एडजस्ट कर दीजिएगा, जो एरो बटन होता है कीबोर्ड में उसकी मदद से भी जो है आप इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्ट करने के बाद जो है अब हमें नीचे एक पेज मिल गया है, आप चाहो तो पहले ही ब्लैंक पेज ले सकते हो, दो तीन जितनी आपकी पिक्चर है, जैसे कि हमने दो ब्लैंक पेज ले लिया है, हम दूसरे वाले ब्लैंक पेज पर भी जो है सेम इसी तरीके से पिक्चर को लेके आएंगे, जिसके लिए हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे, दिस पीसी पे क्लिक करेंगे, दूसरी पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, दूसरी पिक्चर भी आ जाएगी, यहाँ पर रैप टेक्स्ट पे क्लिक करके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे, पिक्चर जो है ऊपर की साइड में आ जाएगी, पिक्चर को थोड़ा सा क्रॉप कर लेंगे, क्रॉप पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जो है पिक्चर को क्रॉप कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग जितना हमको चाहिए, नीचे से भी और यहाँ से दाएं साइड से भी इतना क्रॉप कर लेंगे, क्रॉप पे क्लिक कर देंगे, पिक्चर क्रॉप हो जाएगी। अब जो है इसे हम ये नोड जो है दिखाई दे रहे हैं, इन नोड की मदद से इस पूरे पेज पे जो है सेट कर देंगे जितना हमको चाहिए, ठीक है। हम यहाँ से ला करके इसको नीचे तक यहाँ तक सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद हमें जो है इस पिक्चर को थोड़ा सा करेक्शन करना है, जिसके लिए हम करेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर यही वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, पिक्चर में थोड़ी सी लाइट और डार्कनेस जो है इस तरीके से आ जाएगी, पिक्चर जो है मैच हो जाएगी। सेम इसी तरीके से हमको जो है नीचे भी पिक्चर को सेलेक्ट कर लेना है, इंसर्ट पे क्लिक करना है, पिक्चर पे दिस पीसी, इसके बाद तीसरी पिक्चर लेना है, इंसर्ट पे क्लिक करना है, पिक्चर आ जाएगी, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करना है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना है, इसके बाद आप पिक्चर को कहीं पर भी उठा करके रख सकते हो और पिक्चर को क्रॉप करना चाहो, जो फालतू का एरिया आया है तो उसे क्रॉप भी कर सकते हो, क्रॉप पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जितना भी फालतू का एरिया हटाना चाहते हो इस तरीके से फालतू का एरिया हटाते हुए आप क्रॉप पे क्लिक कर दोगे, पिक्चर जो है क्रॉप हो जाएगी। इसके बाद ये जो नोड बने हुए हैं, इन नोड की मदद से जो है आप पिक्चर को इस तरीके से एडजस्ट भी कर सकते हो, ऊपर से लेके दाएं बाएं नीचे तक आप इस तरीके से इसको एडजस्ट कर दीजिएगा। इसी तरीके से हम इसका भी करेक्शन करेंगे, करेक्शन पे क्लिक करके इस पे क्लिक कर देंगे, पिक्चर में करेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों जिस तरीके से मैंने यहाँ पर ये तीनों पिक्चर को सेट किया है, सेम इसी तरीके से अगर आपके पास और भी पिक्चर है तो आप उन्हें भी सेट कर सकते हो। अब इनका पीडीएफ बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, आपको इसे सेव करना होगा पीडीएफ में, जिसके लिए जो है हमें फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है और यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक करना है और इसके बाद जो है वर्ड डॉक्यूमेंट की जगह हमें पीडीएफ सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद लोकेशन देनी है, आप कहाँ पे सेव करना चाहते हो, किस नाम से सेव करना चाहते हो, वो आपको यहाँ पर नाम टाइप कर देना है, जैसे मैं गुलाब नाम से ही सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पर और इसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे, ये जो है पीडीएफ में सेव हो जाएगी और ऑटोमेटिक जो है ओपन भी हो जाएगी, देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अब जो है हमारा जितना भी फोटो हमने लिया था सभी का जो है पीडीएफ यहाँ पर बना बनाया हमको मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है बिना किसी वेबसाइट का इस्तेमाल किए, बिना कोई सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किए, एमएस वर्ड का इस्तेमाल करके ही किसी भी फोटो को पीडीएफ में बदल सकते हो, पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। हमने जो है डेस्कटॉप पे सेव किया है गुलाम नाम से, ये पीडीएफ हमारे डेस्कटॉप पर सेव हो चुका है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से पीडीएफ फाइल कैसे बनाते हैं, वो भी एमएस वर्ड का इस्तेमाल करके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।